को जुले नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आप सब प्रेस क्लब के मेंबरान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग इमीडिएटली हमारे इनविटेशन पे यहाँ पे आए हैं। तो मेरा आज बुलाने का मकसद ये है कि आज फिर एक बार हमारे लिए एक अच्छा दिन है कि एलएचडीसी कारगिल में जो नॉमिनेटेड काउंसलर का लिस्ट, वो नॉमिनेट नहीं हुआ था काफ़ी देर से, काफ़ी महीनों से, तो आज वो लिस्ट निकला है। तो इस चीज़ के लिए फिर मैं अपना यूटी सरकार, भारत सरकार, सभी को मैं धन्यवाद देने के लिए आप सबको बुलाया है। सबसे पहले मैं हमारा सशक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारा यूटी लद्दाख का सशक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी मिश्रा साहब, उसी तरह हमारा तहसीलदार सन सी सी ले, हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट श्री फुनसोक तंजिन जी, हमारा फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट जमयंग सिंह नमजल जी, उन सबको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये जो नॉमिनेट नहीं हो रहा था तो काफ़ी जगह पे हमें डेवलपमेंटल इश्यूज में काफ़ी दिक्कतें आ रहा था। तो अभी तीन नाम घोषित किया गया है, नमजल फुनसोक जांसकर से यहाँ पे मेरे साथ है, उसी तरह रिगजिन जुर्मेद हमारा गरखुन से, और हकीमा खातून शगर चिकतन से। तो सभी जिनका नाम नॉमिनेट हुआ उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता था अपने हिसाब से एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जांसकर, और साथ ही साथ में जिन लोगों का सहयोग रहा है इसको, इस प्रोसेस को जल्दी करने में, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये मुझे विश्वास है एलएचडीसी कारगिल को स्ट्रेंथन करने में अभी ये तीन मेंबर जो नॉमिनेट हुए हैं उनका भी बहुत अच्छा रोल रहेगा, क्योंकि नॉमिनेटेड काउंसलर्स का जो रोल आधा जिस तरह होना चाहिए था वो कुछ महीनों से वो एबसेंट थे, तो उसमें काफ़ी मेरे ख्याल से इश्यूज़ रह जाता है, चाहे वुमेन रिजर्वेशन का वो ये है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हो, या कोई या एरियाज जहाँ से कोई किसी का आवाज़ नहीं चलता हो। तो ओवरऑल जिस हिसाब से सरकार ने प्रोसेस बनाया है उस हिसाब से नॉमिनेटेड काउंसलर का जो रोल अदा करना होता है वो आने वाले दिनों में कर पाएंगे। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में सर, सहयोग अभी किया। इसमें तीन ही नाम आया, एक चौथा भी होना चाहिए था। हाँ, वैसे इन एक्चुअल एलएचडीसी दोनों में चार चार नाम घोषित होता है, नॉमिनेट होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से होगा, इसका मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। और ये मेरा निवेदन भी रहेगा कि चौथा नाम भी जल्दी से जल्दी नॉमिनेट करें, सरकार से ये विनती रहेंगे, हमारा एलजी साहब से ये विनती रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा जनरल काउंसिल भी चला गया है, ये सीसीडीए का फंड एलोकेशन भी अभी चल रहा है, ये सब्सिडी कंपोनेंट का जो भी हमें फंड मिलता है वो भी फिर लैप्स हो जाएगा, इसलिए जल्दी हो तो वो पूरा रीजन के लिए एक अच्छा ये चीज़ रहेगा। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू सो मच। नंगल साहब, सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप उनमें से एक है, क्या कहेंगे, आपका क्या विजन रहेगा? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अपना पूरा संस्कृत वंशी को ये कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत ये महत्वपूर्ण था। तो मैं सबसे पहले हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और साथ ही साथ हमारा एलजी चौधरी मिश्रा जी, और विशेष तौर पर हमारा स्टेट प्रेसिडेंट फुनसोक तंजिन जी, और हमारा एलएचडीसी सीएसी ऋषिकेशन साहब, और हमारा फॉर्मर एमपी जनरल श्री नामग्याल जी, और साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संजय लापा जी साहब को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही रहेगा कि मेरा आश्वासन यह रहेगा कि मैं पूरा जांसकर क्षेत्र को मैं साथ में लेके चलूँगा जितना हो सके। मैं आज तक मैं पिछले 15 साल से मैं पार्टी में जो काम किया है वो उसी तरह मैं जैसे कि मेरा जो काउंसलर सीट पे अगर आने के बाद जो मेरा रवैया चेंज नहीं होगा, मैं इतना आश्वास देना चाहता हूँ कि मैं एक एक को लेके चलूँगा जितना मेरे पे क्षमता है, मैं उतना कि वो सबको वो लेके चलने की मैं आश्वास दे रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत जल्दी नॉमिनेट हो गया, जल्दी तो नहीं हुआ, क्या कारण रहा है इतना दिन लगा काउंसलर को इलेक्ट करने में? शायद सरकार का कुछ टेक्निकल इश्यूज आया होगा, जिस हिसाब से लद्दाख का पॉलिटिकल सिचुएशन के देख के मेरा ये सोचना है, मेरा ये पर्सनल राय है। तो लेकिन हमने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, मैं अपने एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज था उसको सही ढंग से करने की कोशिश किया, और मुझे खुशी है कि उस प्रोसेस के तहत ही आज नॉमिनेट हुआ है। जिस तरह हमें नॉमिनेशन का जब एक पॉलिटिकल पार्टी में एक प्रोसेस होता है एक सिस्टम के हिसाब से, जिस तरह मैंने नॉमिनेशन का जो लिस्ट जो है वो अपने मंडल स्तर से हर मंडल को पूछा, आप अपने हिसाब से अपना रिकमेंडेशन दीजिए,
उसी तरह मेरा महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, उसी तरह हर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से सबका कंपेयर करके तकरीबन संस्कार से मेरे ख्याल से 18 लोगों का लिस्ट किया था और यूनाइटेड ले वही 18 मेंबर ने लिखित में भी दिया है, जिसको भी मिले, जिसको भी दे, सरकार जिसको भी नॉमिनेट करे उसी लिस्ट में से 18 में से किसी को भी आ जाए, हम सबको कोई गिला शिकवा नहीं है। उस प्रोसेस के हिसाब से उन्होंने लिखित में दे के उस प्रोसेस को कंप्लीट किया और उसी प्रोसेस के हिसाब से सरकार ने नॉमिनेट किया। मुझे इस पे खुशी है क्योंकि हर किसी का इसमें भाग रहा है, हमारा युवा मोर्चा का, हमारा महिला मोर्चा का, हमारे हर मंडल का, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बिहार का, सबका एक सहयोग रहा है, उस चीज में मुझे खुशी है। थैंक यू सो मच।